सुंदर पेड़ पौधे प्राकृतिक नज़ारे आपने देखे, और सबसे बड़ी बात जम्मू डिवीज़न के भद्रवाह इलाके में आप होकर आए, इसके बारे में कुछ अगर कहना चाहोगे, खासकर मेरे चाहने वाले और आपके वेस्ट बंगाल से भी काफ़ी लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? भद्रवाह में मीन्स बच्चे काफ़ी इन्जॉय किए, नियर बाई 5 से 6 घंटे हम लोग बर्फ़ में खेले थे, बहुत मज़ा। बात करूँ चाहे होटल की, रिवर व्यू में होटल में आप रुके थे जी जी, मैं चाहूँगा कि उसका वहाँ के जो मुलाजम थे होटल में, उनका बिहेव किस तरह आपके प्रति था, वो चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा। काफ़ी बढ़िया था। हम लोग रात में करीब 11:30 बजे पहुँचे वहाँ पर, वो पूरा वीडियो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग में आके हमें हेल्प किया कैसे पहुँचना है होटल। अच्छा। और उसके बाद चाय वगैरह सब कुछ, पानी, गर्म पानी, बिस्तर, सारे चीज़ अच्छे थे वहाँ पर। जय माता दी साथियों, मैं सोमराज शर्मा, जिला रियासी व केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर से एक बार फिर से नई ताज़ा वीडियो लेकर आप सबके लिए उपस्थित हूँ। साथियों, आप जिस तरह जानते हैं मेरे चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर टूरिज्म से जुड़ी जानकारियाँ और विशेष तौर पर माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ आप तक देने का प्रयास करता हूँ। और इसके साथ जो लोग पर्यटक यहाँ जम्मू कश्मीर में आते हैं, इनका रिव्यू, इनका फीडबैक कैसा लगा हमारा जम्मू कश्मीर, ये भी पूछने का प्रयास करता हूँ। आज भी एक विशेष मुलाकात है, कहाँ से ये लोग आए हैं और इनसे पूछते हैं किस प्रकार की इनकी यात्रा जम्मू कश्मीर में रही। सर, सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, और सबसे पहला प्रश्न, शुभ नाम और कहाँ से? अभिलाष कुमार, खड़गपुर से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। अभिलाष जी, ये मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर का आपका पहला ही दौरा था या इससे पहले भी? जम्मू पहला ही दौरा था। किस प्रकार का देखते हैं इस बदलते हुए जम्मू कश्मीर को आप? काफ़ी अच्छा था, मीन्स रोड्स काफ़ी अच्छे थे। हम लोग कल से ही ट्रैवल कर रहे हैं, परसों से। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का ताज कहा जाता है, तो वाकई ही आप ताज में खड़े हैं। किस तरह के ये सुंदर पेड़ पौधे प्राकृतिक नज़ारे आपने देखे, और सबसे बड़ी बात जम्मू डिवीज़न के भद्रवाह इलाके में आप होकर आए हैं, उसके बारे में कुछ अगर कहना चाहोगे, खासकर मेरे चाहने वाले और आपके वेस्ट बंगाल से भी काफ़ी लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? भद्रवाह में मीन्स बच्चे काफ़ी इन्जॉय किए, नियर बाई 5 से 6 घंटे हम लोग बर्फ़ में खेले थे, बहुत मज़ा आया। इस समय बर्फ़ देखने को मिली आपको? हाँ, इस समय बर्फ़ देखने को मिली, काफ़ी बर्फ थी वहाँ पर। अच्छा, तो भद्रवाह में उस जगह को लेकर पर्यटकों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? आप अगर आ रहे हो तो ज़रूर जाओ भद्रवाह घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा, मीन्स वहाँ के इंसान भी काफ़ी अच्छे थे, जितने भी बंदे से मिले हम लोग, दुकान वाले हो, पुलिस वाले हो, सबको। मैं बात करूँ चाहे होटल की, रिवर व्यू में होटल में आप रुके थे जी जी, मैं चाहूँगा कि उसका वहाँ के जो मुलाजम थे होटल में, उनका बिहेव किस तरह आपके प्रति था, वो चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा। काफ़ी बढ़िया था। हम लोग रात में करीब 11:30 बजे पहुँचे वहाँ पर, वो पूरा वीडियो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग में आके हमें हेल्प किया कैसे पहुँचना है होटल। अच्छा। और उसके बाद चाय वगैरह सब कुछ, पानी, गर्म पानी, बिस्तर, सारे चीज़ अच्छे थे वहाँ पर। मतलब कि कहने का मतलब एक फैमिली जैसा ट्रीट हुआ उस होटल में आपको? एकदम। चलिए, और आज आप पहुँचे हैं धर्म नगरी कटरा वैष्णो देवी, पवित्र नगरी कहते हैं कि माता रानी जब बुलावा आता है तो 100 काम काज छोड़ के यहाँ पहुँच जाता है इस दरबार पे। सही है। कितने एक्साइटेड हैं माँ के दरबार नवरात्रों के पावन उत्सव पर यहाँ इस दर्शन करने के लिए? बहुत बहुत बहुत। हमारे उधर भी दुर्गा पूजा होता है, उस टाइम पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छा है। तो और भी कुछ सदस्य हैं, इनसे भी पूछते हैं। भैया, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? पंकज डबगोत्रा, और मैं कठुआ से ही हूँ, लोकल ही हूँ यहाँ का। अच्छा। पंकज जी, मुझे बताइए, हमारा जो जम्मू के इलाका जो भद्रवाह है, आपने विजिट किया है, तो बाहरी लोगों को खासकर अपने जम्मू के खासकर लोगों को क्या कहना चाहोगे भद्रवाह के बारे में? क्यों लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं, कश्मीर का रुख करते हैं, कश्मीर अपनी जगह भी बेस्ट है, लेकिन भद्रवाह एक अनएक्सप्लोर जगह है, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा सा मैसेज है कि जम्मू के प्रति कुछ। जो भद्रवाह के जो इलाका है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया है। आप, मैं सभी पर्यटकों को यही इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि प्लीज़ विज़िट करें, जैसे ही कश्मीर है वैसे हमारा भद्रवाह है, और भी बहुत सारे इलाके हैं, अगर आप वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे इस चीज़ का। और वहाँ से डेफिनेटली जो जैसे हम कश्मीर में जाते हैं कि हम स्नोफॉल और ये सब देखने के लिए हम कश्मीर जाते हैं, आप भद्रवाह और अपना पटनी टॉप यहाँ पर आप विज़िट कीजिए, ये आपको वहाँ से भी ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा। विज़िट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कितना इन्जॉय करेंगे, स्नोफॉल इन्जॉय करेंगे, ठीक है, वेदर इन्जॉय करेंगे वहाँ का, और एज़ वेल एज़ वहाँ के जो पीपल्स हैं, मीन्स वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जहाँ वहाँ के जो बंदे हैं वो इतने हेल्पफुल हैं, ठीक है, उनके कहने की बात नहीं है।
और एक व्यक्तिगत सवाल, पहली बार मेरी और आपकी मुलाकात जी, जी। एक मतलब कि किस तरह का देखते हैं मेरा बिहेवियर? जी 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 आपको क्या कहना चाहोगे मेरे बारे में? मैं मेरे कहने से क्या होगा भाई, आपके बारे में तो ऑलरेडी आपके पहले ही यूट्यूब ब्लॉगर हो, ठीक है, आपके बारे में पहले से ही हम जानते हैं, ठीक है, तो नेचर वाइज तो आप मतलब कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि आपके बारे में, कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। अच्छा, दी गई मेरे द्वारा सुविधा, चाहे होटल की बात करूँ, भद्रवाह, उसके बारे में डेफिनेटली ए क्लास। चलिए संजीव भैया, आपसे भी एक लास्ट थोड़ा सा कंक्लूजन पे पहुंचूंगा मैं यहाँ पर, किस तरह का ओवरऑल भद्रवाह रहा आपका, और आज नगर कटरा में पहुंचे हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को क्या संदेश रहेगा, और मेरे बारे में व्यक्तिगत? ये भैया आए थे हमारे, छोटे भाई हमारे, ये हमारे खड़गपुर से आए थे, तो हमने कहा कि चलाओ हम आपको घुमा के लाते हैं भद्रवाह, ठीक है, कश्मीर तो बात की बात है, पहले यहाँ जो जम्मू रीजन में पड़ता है भद्रवाह वो दिखा देते हैं। बिल्कुल। तो ये बोल रहे थे कि स्नो देखनी है, तो स्नो कुदरती स्नो हो ही गई, दो दिन बारिश हुई तो हो ही गई, तो इनको स्नो अच्छी मिली वहाँ पे, तो नाइट में वहाँ से निकल आए थे फिर, तो वहाँ से होके लेकिन इनको ले आए यहाँ पे, फिर बोला कि माता का बुलावा भी है तो चलो माता के दर्शन भी करके आते हैं, अब इतनी दूर से आए हैं। तो और एक लास्ट संदेश? संदेश यही है कि आप आइए और सोमनाथ जी को भी सपोर्ट कीजिए, ये हमारे भाई हैं, ठीक है, और अब क्या कहें और इनके बारे में, ये तो मतलब इनको कभी भी बुला लेंगे, रात को भी 12-1-2 बजे भी मैं कभी भी फ़ोन करता हूँ तो ये हमेशा तैयार रहते हैं। जी मेरा नाम नीतू अभिलाष है, मैं बंगाल खड़गपुर से आई हूँ। अच्छा, वेस्ट बंगाल से आए हैं, ये पहली बार ही आपकी यात्रा थी जम्मू कश्मीर में, या इससे पहले भी आपने जम्मू कश्मीर को एक सपना था कि आना है, देखना है, माता के दर्शन करने हैं, इस प्रकार का क्या सोचते जब आने से पहले, कुछ क्या मन में चल रहा था? जी एक सपना था कि हम भी आए और माता का दर्शन करें, और आकर यहाँ पर बहुत खुशी हुई, मतलब अंदर से बहुत खुशी हो रहा है कि हाँ माता हमें बुलाए। जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में आप खबरों में देखते हैं, क्या वाकई ही वो चीज़ आपको यहाँ मिली या कुछ अलग देखने को मिला? जी वाकई यहाँ पर देखने को मिले, उससे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का बिहेवियर सब कुछ अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तो आपसे मिले भी होंगे, दुकानदार मिले होंगे, होटल वाले मिले होंगे, मैं चाहूँगा कि उनके बारे में कुछ एक नोबल मैसेज हो, आने वाले जम्मू कश्मीर में जितने भी पर्यटक हैं, एक खूबसूरत संदेश आपकी तरफ से क्या रहेगा? यही कि मतलब आए पर्यटन कर रही, ये जगह बहुत अच्छा है, घूमने के बाद नजरिया कुछ अलग हो जाता है, यही मैं संदेश। अच्छा, वेस्ट बंगाल में जितने भी लोग हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उन लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? यही कि मतलब वो आ करके यहाँ पर देखे, बहुत अच्छा लोग जगह सब कुछ अच्छा है। चलिए जयकारा शेरा बलिदा बोल सांचे दरबार की जय, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।